अगर बीमारी भी रब की तरफ से है और शिफा भी रब की तरफ से है, डॉक्टर या हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसका क्या रोल है इस सब में? हमारी बॉडी हील करती है जब हम सोते हैं, पूरा दिन जब हम चल रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है अपने अवामल कर रही होती है, उस टाइम पे वो हीलिंग की तरफ नहीं जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा जिसे हम उर्फ आम में ट्रीटमेंट या के क्योर या के किसी बीमारी से निजात कहा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट इस्लाम में क्या है और इसका कॉन्सेप्ट जो हेल्थ केयर सिस्टम में क्या है और हम इसको लिंक कैसे करेंगे, आज हम इस चीज़ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अल्लाह मुझसे गलती ना करवाए कि बीमारी भी मेरी तरफ से है और शिफा भी मेरी तरफ से है। अगर बीमारी भी रब की तरफ से है और शिफा भी रब की तरफ से है, तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर या हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसका क्या रोल है इस सब में? तो आज इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। शिफा रब देने वाला है और उस शिफा तक पहुंचने का जो अमल है, जो रास्ता है, उसमें डॉक्टर आपके लिए रहनुमाई करता है या मुआलज। डॉक्टर जिसे आज के ज़माने में डॉक्टर या सर्जन कहते हैं, एक टाइम में ये नहीं था और इसको हम हकीम या तबीब के नाम से जानते थे। फिर और पीछे चले जाएं तो यूनानी जो तिब था वो होता था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर के पास शिफा है या कि सर्जन के पास शिफा है या कि हकीम के पास है या कि तबीब के पास है। तो ये शिफा का रास्ता इन लोगों के थ्रू है, शिफा उस रब ने दे रही है जिसकी तरफ से बीमारी है। हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जो मॉडर्न मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, जिसे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ जो लिंक मेडिसिन है, मतलब कि आज के दौर में जो तरीका इलाज राइज है ये डॉक्टर के ज़रिए इलाज का है। तो इसमें डॉक्टर क्या करता है, एक मरीज़ आता है उसके पास, वो उसकी तशखीस करता है और उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम होती है उसकी तरफ उसकी रहनुमाई करता है। बाज़ अवक़ात वो उसको दवाई दे रहा होता है, बाज़ अवक़ात वो उस मरीज़ का किसी तरह का कोई सर्जरी या ऑपरेट कर रहा होता है। लेकिन मल्टीपल टाइम हम ये देखते हैं कि उस दवाई देने के बावजूद या उस ऑपरेट करने के बावजूद भी मरीज़ शिफा नहीं पाता है, या कि बाज़ अवक़ात वो मरीज़ उस दवाई या ऑपरेट के बगैर ही शिफा पा जाता है। तो इस ये चीज़ हमें इस तरफ सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ शिफा किसी बंदे के साथ लिंक नहीं है, ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह जो तबीब है या जो डॉक्टर है या जो सर्जन है, उसका भी इस चीज़ पर बड़ा गहरा अपना ईमान होना चाहिए कि शिफा उसके रब की तरफ से है और उसे चाहिए कि ये अपने पेशेंट को ये बताए कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको गाइड करूँगा आपकी बीमारी के मुतालिक जो मैंने इलम हासिल किया है उसकी तवासत से, और मैं आपको गाइड करूँगा कि उस बीमारी से आपने निकलना कैसे है या कि जो मैं आपके लिए कर सकूँ। लेकिन शिफा आपको आपके रब ने देनी है और आपकी सोच पे देनी है। अभी नई रिसर्चेज आ रही हैं जो कि अभी पब्लिश हो जाएंगी, कुछ उनमें से हो भी रही हैं, कि जो आपकी हीलिंग है, जो आपके जिस्म में जब कोई बीमारी होती है और वो जब शिफा पाता है तो उस प्रोसेस को हम हीलिंग कहते हैं, शिफा पाने के प्रोसेस को, वो आपकी बॉडी का इननेट फंक्शन है। मतलब कि ये तो हम सब जानते हैं कि वो इननेट फंक्शन है कि बॉडी के अंदर ही सलाहियत मौजूद होती है अपनी बीमारी से शिफा पाने की। लेकिन उसको जो नई रिसर्च चीज़ें मुझे बताती हैं कि सिग्नल जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है, मतलब कि हमारे दिमाग के ख़ास हिस्से से आता है या ब्रेन से आता है। उस पर्टिकुलर हिस्से को जब हम ट्रिगर करते हैं या उसको जब हम एक्टिवेट करते हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। समटाइम्स लोग जाते हैं अपने डॉक्टर के पास, उसके साथ डिस्कस करते हैं और आके कहते हैं मैं ठीक हो गया हूँ। तो ये चीज़ भी हमें ये बताती है कि वो उस पर्टिकुलर अपने सर्जन, फिजिशियन, होम्यो डॉक्टर, तबीब या किसी भी बंदे के पास गया है या हकीम, और उसके साथ उसका रूहानी ताल्लुक ऐसा है कि वो वहाँ से वो मैसेज ले लेता है और वो पर्टिकुलर पर्सन हकीम है, तबीब है, डॉक्टर है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये बता देता है कि अब तुमने ठीक होना है। एक आम सी मिसाल है, मैं काना गला का डॉक्टर हूँ। मल्टीपल टाइम मेरे अपने बच्चे जब उनमें कोई प्रॉब्लम आती है कान ना गला की, तो मैं उसको जब अपनी तजवीज़ करदा दवाइयाँ देता हूँ तो मल्टीपल टाइम उनको उससे फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जब मैं अपने पीडियाट्रिशियन दोस्त के पास जाता हूँ, उससे डिस्कस करता हूँ, वो एग्ज़ामिन करता है और मिलती जुलती ही मेडिसिन देता है,
और मेरा बच्चा बेहतरी की तरफ चला जाता है। तो ये चीज़ भी हमें और मुझे इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर करती है कि देर इज़ समथिंग जिसमें अल्लाह ये चाहता है कि आपको जब कोई प्रॉब्लम आए तो आप किसी के शुक्रगुजार भी हों, कोई वसीला भी बने। हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि ये आपको किसी भी तरह की बीमारी से निजात दे सकता है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ इसमें नहीं आती। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, खुदा ना खास्ता किसी का अगर बाजू कट जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसको रिपेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी बंदे को ऐसा लाहका या मर्ज़ आ गया, जैसा डिप्रेशन है, जैसा परेशानी है, सर का दर्द है, जिसकी कोई और वजह नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे ये भी मैं बताता हूँ, तशखीस का भी एक बहुत बड़ा अमल है। डॉक्टर का काम क्या है, पेशेंट आता है, वो उसकी लंबी हिस्ट्री लेता है, उसका मुआयना करता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और वजह ढूंढने की कोशिश करता है। अगर तो डॉक्टर को उसकी वजह मिल जाती है तो उस वजह का इलाज शुरू हो जाता है। वजह मिलने से भी दो तरह से इलाज शुरू होता है, एक तो उस पर्टिकुलर वजह का इलाज हो रहा होता है, दूसरा पेशेंट जो है उसका सबकॉन्शियस माइंड कंसंट्रेट कर लेता है, फोकस कर लेता है, उसे पता लग जाता है यार कि जो मुझे इतने दिन से सर में दर्द होती रही है इसके पीछे मेरी नींद का ना पूरा होना है, या कि खुदा ना खास्ता मेरे दिमाग के अंदर कोई पानी की थैली है अगर उसका MRI में ऐसा कोई मसला आया, या कि खुदा ना खास्ता ये सर में दर्द उसकी दर्द शिकिका की फॉर्म में आधे सर की वजह से हो सकती है, तो उसका ब्रेन उसको एक फोकस मिल जाता है सबकॉन्शियस माइंड को। जो लोग सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। उसे जो फोकस मिल जाता है तो वो उसकी ट्रीटमेंट की तरफ उसको ले जाता है। और एक और चीज़ इसमें बड़ी ज़रूरी है कि हमारी बॉडी हील करती है जब हम सोते हैं। पूरा दिन जब हम चल रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है अपने अवामल कर रही होती है, उस टाइम पे वो हीलिंग की तरफ नहीं जाती, वो अपने हीलिंग कर रही होती है लेकिन बहुत स्लो पेस पे। द टाइम हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ जो प्रॉब्लम्स हुई होती हैं, जैसे कोई वायरल इलनेस है, कोई खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो वो उसकी बेहतरी की तरफ आपके जिस्म को लेके जाती है। इसीलिए रात की नींद बहुत ज़रूरी है। दो तरह से उस पेशेंट को सिग्नल जाता है जब उसको तशखीस का पता लग जाता है, एक तो उसका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है उसके ऊपर, दूसरा डॉक्टर उस पर वर्क कर रहा होता है। और अगर वो अनट्रीटेड हो जाता है, अनडायग्नोज हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने उसका मुआयना भी किया, उसको हिस्ट्री भी ली, उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, सर में दर्द है या कि पेट में दर्द है या कि कोई भी मसला है या कि जिस्म में कमज़ोरी है या कि कोई भी और वजह है, तो फिर यहाँ पे जो गैप आ जाता है, यहाँ पे उसकी हीलिंग सबकॉन्शियस माइंड ने करनी है। यहाँ पे उसे चाहिए एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा हीलर, एक ऐसा तबीब जो कि पर्टिकुलरली उसको इस चीज़ पे उसके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिला दे कि ये वही है जो इसको ठीक कर सकता है। और द टाइम उसको वो सिग्नल दे दिया जाता है, वो बेहतरी की तरफ चला जाता है। आखिर में मैं ये बात करना चाहूँगा, शिफा सिर्फ तब मिलती है जब इंसान इस चीज़ पे यकीन कर लेता है कि ये शिफा उसे किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल से नहीं मिलनी है बल्कि अल्लाह के इज़्ज़न, अल्लाह की मर्ज़ी से मिलनी है। तो शिफा के लिए उस बंदे का अल्लाह पे ईमान होना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है, मैं माहरे अमराज़ कानना गला हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ समझने का, सोचने का मौका दिया होगा। अगर इस वीडियो में आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको आंसर करें, उसका जवाब दें। अगर आप चाहते हैं किसी ख़ास टॉपिक पे कोई नेक्स्ट हम वीडियो बनाएं, उसमें भी आप कमेंट में हमें इसके बारे में आगाह करें ताकि हम इसको अपने नेक्स्ट जो है वीलॉग में ला सकें। शुक्रिया।